नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसके बारे में। जनरली हम बात करें तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसमें अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा वो है लालपेथ लैब्स। दोस्तों लालपेथ लैब्स मतलब जो आपको फार्मा सेक्टर है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। तो उसी में से एक है हमारा डायग्नोस्टिक लैब और जो हेल्थ केयर टेस्ट होता है उससे रिलेटेड डॉक्टर लालपेथ लैब्स। दोस्तों ये एक बेहतरीन कंपनी है और एक बेहतरीन स्टॉक्स है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के। जैसा कि पर्सनली मैं इस लालपेथ लैब को जानता हूं, कई सारे स्टेट्स में इसके ब्रांचेज है और इसके आप फाइनेंशियल को देख सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को देखते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट कितना अच्छा है। लगातार ये कंपनी जो इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, देखते हैं 118% का रिटर्न दिया है। 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुआ था, उस समय से आप देख सकते हैं कंपनी कभी भी बहुत बड़ा इसमें गिरावट नहीं आया है। जो पैंडमिक सिचुएशन था उसमें गिरावट आया और बहुत ही तेजी से ये रिकवर कर लिया। तो हर चीज़ हर तरह से हर पैरामीटर्स पर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। देखते हैं 0.85% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस आपको जो 1500 है उसके नीचे जब भी स्टॉक्स मिलता है तो आप उसमें मतलब पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जैसे 1400 कभी आता है तो शॉर्ट टर्म आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1500 के नीचे या उसके आसपास मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। देखते हैं आज लास्ट ट्रेडिंग डे जो ये क्लोज हुआ है 41 रुपीज़ का इसमें मूवमेंट देखा गया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये। दूसरा है हमारा अवनति फीड्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखते हैं 51,000% का रिटर्न, 56,000% का रिटर्न, तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स है ये कि आपका जब भी ये मतलब देख सकते हैं यहाँ पर नीचे के पोजीशन पर मिलता है तो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, बार बार जो होते हैं इसका जो मतलब इस कंपनी का बिजनेस है ये कई सारे कंट्री में मतलब अपना जो भेजते हैं फूड प्रोडक्ट, तो उस पर बहुत सारे तरह के न्यूज आते रहते हैं, उस आधार पर इस कंपनी के शेयर में गिरावट फिर तेज़ी आते रहता है। साथ ही साथ अभी जो लॉकडाउन है तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी फॉल आएगा, उससे भी इसमें गिरावट आएगा। डिविडेंड देख सकते हैं कितना शानदार है 1.43 का। तो ये सारे न्यूज बेस्ड होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत इसमें फॉल आते रहता है, तो आप इसमें जब भी अगर इन्वेस्ट करें तो यहाँ के नीचे के लेवल पर करें, देखते हैं 300 के आसपास के लेवल पर। अगर तो 300 के आसपास आपको कभी भी मिल जाता है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका इतना तेज़ी से ये रिकवर करता है। देखते हैं अभी 500 के आसपास चल रहा है तो 200% का प्रॉफिट आपको, तो कभी भी करेक्शन आता है तो निश्चित है ये आपको 300-350 के प्राइस पर आपको मिल जाएगा, तो उस समय आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसके आगे वाले आने वाले बिजनेस के ग्रोथ को और इसका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है तो मार्जिन जो प्रॉफिट का वो भी कंपनी का घटते जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी में आप। उसके बाद हमारा है PI इंडस्ट्रीज़, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसका भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट कितना बेहतरीन है, तो जो टेक्निकल चार्ट है उस पर देखिएगा तो ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। जो पैंडेमिक सिचुएशन आया था उसमें काफ़ी गिरावट इसमें आया था, उसके बाद ये बहुत तेज़ी से रिकवर किया। देखते हैं 1000 के आसपास ये स्टॉक्स मिल रहा था, अभी आपको ये 1500 छोड़िए 1600 के आसपास ये स्टॉक्स मिल रहा है और 55% का रिटर्न दे चुका है जिसने भी गिरावट में इसमें इन्वेस्ट किया। तो जब भी ये करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, अभी आप इसमें वेट एंड वॉच करें, अपने वॉच लिस्ट में लगा लें और इसको वॉच करें, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, अभी जो मार्केट का डायरेक्शन वो कोई निश्चित नहीं है कि 11000 जाएगा निफ्टी या 10000 पे रहेगा, तो कोई भी डायरेक्शन जो है मार्केट का अभी निश्चित नहीं है। जैसे मार्केट का डायरेक्शन निश्चित हो जाता है तो उसके अनुसार आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट पता चल जाए यहाँ से आगे ही जाने वाला है, हमारा सारा चीज़ नॉर्मल हो चुका है, तो इसमें 1500 के आसपास इन्वेस्टमेंट बनता है। लेकिन अगर मार्केट हमारा डाउन आता है, मार्केट में फॉल आता है, तो निश्चित है हम इसमें वेट करेंगे पोजीशन बनाने के लिए। उसके बाद अगला है हमारा एल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड, तो इसका तो चार्ट देखिएगा और बेहतरीन है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है इस कंपनी का। अपने इन्वेस्टर को देख सकते हैं 8000% का रिटर्न दे चुका है, तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स, ऐसे भी जो केमिकल सेक्टर है उसके स्टॉक्स काफ़ी परफॉर्म अप कर रहे हैं, तो जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स है आप उसमें जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जब भी आपको
कभी भी गिरावट आती है, उसमें करेक्शन आती है, उस समय आपको मिल रहा है तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है और ये सेक्टर की कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, इसमें काफ़ी तेज़ी देखने आपको मिल रही है। तो इसका जो लेवल होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा है 1500 उसके नीचे होना चाहिए। इसका 52 वीक लोग देखिएगा, देखते हैं 653, यहाँ से कंपनी 3 गुना जा चुकी है, मतलब एक साल में ये कंपनी जो है 300% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो समझते यहाँ से देख लीजिए 224% का रिटर्न यहाँ चार्ट पे दिखा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर को एक ही साल में मतलब 200 से 300% तक का रिटर्न दे चुका है। वैसे ही बेहतरीन कंपनियाँ एक और है, देखते हैं अतुल लिमिटेड, अतुल ये भी बेहतरीन कंपनी है, इस ये कंपनी आपको हो सकता है आगे बोनस भी दे या स्टॉक स्प्लिट लेकर आए, काफ़ी इस कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है और ये भी कंपनी का चार्ट देखेगा तो काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरह का जिसके स्ट्रॉन्ग चार्ट है तो वैसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, जैसे इसमें देखते हैं पैंडेमिक सिचुएशन में थोड़ी सी करेक्शन आया था, इसमें देखते हैं 4000 के नीचे आया था ये स्टॉक्स, उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, अब तो आप इसको इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसका 52 वीक लो देखिएगा 3000 के पास है, तो ये सारे स्टॉक्स देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दे इन्वेस्टर को, 46,000% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स जब भी आपको गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो इसका जो लेवल होना चाहिए वो आपको 3000 से 4000 के बीच होना चाहिए, आपको अपने रिस्क के अनुसार, रिस्क कितना आप ले सकते हैं उसके अनुसार आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग बनाना चाहिए। और जब भी करें SIP मोड में इन्वेस्ट करें, जैसे 4000 के नीचे आता है तो अगर 5 शेयर आपको लेना है तो 1 शेयर लेंगे 4000 के नीचे आएगा, तब अगर उसमें और करेक्शन आता है तो 3500 के आसपास लेंगे दूसरा शेयर, इस तरह से वेट करते रहेंगे, अगर नीचे आता है तो नीचे के प्राइस पर लेंगे, ऊपर जाता है तो ऊपर के प्राइस पर SIP करेंगे। तो जो होना चाहिए इसमें आपको पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़े दिन इसको ट्रैक करना चाहिए कि स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट बनता है, किस डायरेक्शन का मूवमेंट बनता है और खास करके हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक्स है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों जब से चाइना से हमारा मतलब बढ़ा है कंट्रोवर्सी, तो तब से कहा जा रहा है कि हमारा जो मार्केट है अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आने वाला है, क्योंकि हम खुद से जो टेक्नोलॉजी है उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, इसके कई सब्सिडियरी कंपनियां भी है, सब्सिडियरीज भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स है ये कि नहीं कही, आप देख सकते हैं मैक्सिमम का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट देखेगा और बेहतरीन है। 1 ईयर में देख सकते हैं लगातार ये अप ट्रेंड में रहा है, यहाँ पर जो करेक्शन आया था देखते हैं पैंडेमिक सिचुएशन में तो ये 3000 के पास आया था, वहां से फिर से इसमें तेजी देखने मिला है। तो ऐसे स्टॉक अगर आपको नीचे वाले गिरावट वाले मार्केट में मिलता है, कभी करेक्शन इसमें होता है, अगर इसमें कोई न्यूज बेस्ड करेक्शन होता है, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स पर, कंपनी के जो बिजनेस है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन न्यूज बेस्ड कोई करेक्शन आता है तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें उस टाइम पे। अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको इसमें। तो जो बेहतरीन स्टॉक्स है स्मॉल कैप स्टॉक्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और अपना रिसर्च खुद जरूर करें, अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह लें इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं इसमें रिवार्ड तो आपको बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी आपको होते हैं। तो जिस रेशियो में रिस्क है रिवार्ड उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप उसी स्टॉक को चुनें जिसमें रिवार्ड आपका ज़्यादा हो। तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, तो आप को हम जो है डिटेल जो वीडियो बनाएंगे जब इसका अलग अलग, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका फंडामेंटल्स को, इसका टेक्निकल्स को, इसके बिजनेस को, इसके बिजनेस के क्या ग्रोथ आगे हो सकते हैं, सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा एक बेहतरीन स्टॉक्स जिसे हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं, लेकिन ये पेनी स्टॉक वास्तव में है नहीं, देखते हैं ट्रीडेंट लिमिटेड। ये स्टॉक 70 रुपीज का हुआ करता था, स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू 10 से 1 में, जिसके कारण इसका प्राइस आपको दिख रहा है 7 रुपीज के आसपास, ये 65 रुपीज 70 का स्टॉक हुआ करता था और ये अब अपने एक्चुअल प्राइस पे आ चुका है। इसमें काफ़ी करेक्शन आया था, 3 रुपीज के पास ये जा चुका था स्टॉक्स, वहाँ पर आप इसमें बाय करते तो अभी आपको 100% का रिटर्न, 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न अभी आपको मिलता। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स जब आपको बहुत करेक्शन पर मिले, ये देखने 91 पैसा 2013 में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, 7 रुपीज का स्टॉक्स हुआ करता था 2003 में, जहाँ से ये 70 रुपीज गया, मतलब इन्वेस्टर को 7 गुना मल्टीबैगर रिटर्न दिया। तो समझते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, 7% का डिविडेंड यील्ड है, तो हर चीज़ शानदार है, लेकिन इसका जो बाइंग का
जो लेवल होना चाहिए वो आपको खुद तय करना है, किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए। हमारे अनुसार 5 रुपीज से नीचे जब आए तभी आप इसमें मतलब अपना पोजीशन बनाए, नहीं तो वेट एंड वॉच करें। आप यहाँ पर जब ये 4 रुपीज़ के आसपास था तभी हमने वीडियो बना करके आपको बताया था कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। स्टॉक स्प्लिट होने के कारण ये आपको जो है लग रहा है कि ये पेनी स्टॉक्स है। उसके बाद अगला है दीपक नाइट्रेट। दोस्तों सारे देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल चार्ट से नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे, कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस क्या हमारे इस पैंडमिक सिचुएशन में इफेक्ट हुआ है या हमारे चाइना के साथ जो चल रहा है टेंशन उससे इफेक्टेड होगा। तो सारे चीज़ को मतलब आपको देखना है किससे इफेक्टेड होगा किससे इफेक्टेड नहीं होगा। तो सारा पैरामीटर्स देखने के बाद आपको कंपनी चूज करना है किसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। देखते हैं ये 2421% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होता है ये, क्योंकि ये जो 2000% का रिटर्न से ज़्यादा दिया है 10 साल में, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है इसका भी। इसका जो लेवल होना चाहिए आपको 400 के आसपास बनाना चाहिए, 400 उससे नीचे जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP मोड में। लेकिन तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो छोटे छोटे अमाउंट में SIP मोड में होना चाहिए, ताकि आप उसको एवरेज आउट कर सकें, मतलब एवरेज प्राइस पे आप उसमें इन्वेस्ट हो सके। अगला एक और हमारा स्मॉल कैप स्टॉक्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। जिस दिन से इसमें न्यूज़ आया है कि हमारा चाइना के साथ जो बैन लगाया गया है चाइना के प्रोडक्ट पर, उस दिन से इसमें काफ़ी तेज़ी देख सकते हैं। 81 रुपीज़ था, यहाँ से लगातार सर्किट लगते हुए ये 100 रुपीज़ के पास पहुँच गया। मतलब दो ही दिन में ये 32% का रिटर्न दिया था दो ही दिन में अपने इन्वेस्टर को, और अभी तक देख सकते हैं उस न्यूज़ के बाद ये 35% अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। मतलब 80 रुपीज़ से डायरेक्ट 111 रुपीज़ पा चुका है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। तो जैसे हमारा चाइना के साथ ट्रेड वार होता है, मतलब चाइना के प्रोडक्ट पर बैन लगता है, तो ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है। तो जो हमारे वोडाफोन है, एयरटेल है, ये सारा का सारा प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट किया है, चाइना से, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो वो आप जब बैन लग जाएगा तो वो जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी से प्रोडक्ट ज़्यादातर खरीदेंगे, तो ऐसे में बूम आएगा, मतलब उस कंपनी को फ़ायदा होगा जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद अगला है नेटवर्क 18। दोस्तों नेटवर्क 18 जब टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के साथ मर्ज हो जाएगा तो इस कंपनियों में भी आपको बहुत ही तेज़ी से प्राइस में मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते इन्वेस्ट करना तो इन सारी कंपनियों में कर सकते हैं। नेटवर्क 18 ये भी 0 डेप्ट वाली कंपनी हो जाएगी जब मर्ज होगी, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स हो जाएगी। तो ये ऐसे बेहतरीन कंपनियों में अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट ज़रूर करें। ये कंपनी देखते हैं अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रही है, तो आपका मनी है, आपका अपना विचार है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। रिलायंस ग्रुप की कंपनियाँ हैं, काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ। यहाँ से देख सकते हैं जो पेंडेमिक सिचुएशन गिरावट आए थे वहाँ से ये 139% का रिटर्न दे चुका है, क्योंकि उस समय से रिलायंस के ऊपर जो डेप्थ था वो भी कम हुआ, जिसका फ़ायदा इस उसके सारे जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उसे भी मिला। तो इन सारे चीज़ों को आपको खुद नज़र रखना है किस कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगला है हमारा करूर विद्या बैंक। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये अपने इन्वेस्टर को देखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखते हैं 8000% का रिटर्न दिया है, यहाँ से देखिए 9000 के आसपास रिटर्न दिया है। साथ ही साथ ये कंपनी इतनी बोनस दी है अपने इन्वेस्टर को, बोनस के रूप में एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। मतलब इतना बोनस दिया है कि नहीं कहिए। इस कंपनी के बारे में हम बोनस के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को कितना बेहतरीन बोनस के रूप में रिटर्न दिया है, तो इस कंपनी के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे करूर विद्या बैंक अपने इन्वेस्टर के 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक में से एक है, तो आप इसके थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च कर लेंगे अपना और फिर तब इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगला है VIP इंडस्ट्रीज, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा। इसमें जो इन्वेस्ट किए बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हमारे हैं, जब से इसमें इन्वेस्ट किए काफ़ी न्यूज़ में था VIP इंडस्ट्रीज, जिसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला था। अभी आप इसमें देखते हैं काफ़ी गिरावट भी आई है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को लगातार ट्रैक करते रहें, अगर वो अच्छे प्राइस पर मिलते हैं, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे बिजनेस में ग्रोथ है, तो आप उस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए कि क्या ये स्टॉक्स आगे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इसके बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इसके बिजनेस में ग्रोथ है।
तो सारी चीज़ देखने के बाद फिर किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, तो प्राइस तो इसका काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पे भी मिल रहा है। आगे इसमें अगर करेक्शन आता है और तो आप और नीचे करेक्शन के प्राइस पर ले सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक्स है जो कि बेहतरीन स्टॉक है, देखिए चार्ट पर देखिएगा तो इसका जो चार्ट है कितना बेहतरीन दिख रहा है और ये अपने इन्वेस्टर को 11,000% का रिटर्न दे चुका है। तो समझ सकते हैं ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, 0.92% का डिविडेंड यील्ड है इसका। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पेंडेमिक सिचुएशन था उसमें जो गिरावट आई थी वहाँ से ये अभी काफ़ी मतलब रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। यहाँ से गिरावट में दिखाते हैं आपको, गिरावट में जो प्राइस था वहाँ से आप देख सकते हैं ये 81% का रिटर्न दे चुका है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें गिरावट तो आती है लेकिन सबसे पहले वो रिकवरी भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि काफ़ी फंडामेंटल स्टॉक्स है जिसके टेक्निकल चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, वैसे फंडामेंटल स्टॉक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर के आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।